हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अंगूर के एक रोग के बारे में। अंगूर का जो बॉटेनिकल नेम है वो विटिस वेनिफेरा है, और जिस रोग की बात करेंगे उसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग का काजल ऑर्गेनिज्म फंगस है। ये फंगस से होने वाला एक रोग है जिसका साइंटिफिक नेम प्लाज्मोपारा विटी कोला है। अब हम समझते हैं कि इस रोग को हम किस प्रकार से खेत में पहचान सकते हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू रोग लगा हुआ है। वैसे इस रोग का जो अटैक है वो सभी एरियल पार्ट्स पे होता है। एरियल पार्ट्स का मतलब ये हो गया जैसे पत्ती, जड़ को छोड़ के तना, पत्ती, ट्विक्स और टहनिया और इसका जो अंगूर होता है उस पे, इन सब पे आपको इसका अटैक देखने को मिलेगा। और ज्यादातर ये जो नई पत्तियां और टहनियां और कल्ले, जो नए कल्ले और इसमें इमेच्योर बेरी का मतलब जो अधपके अंगूर होते हैं उस पे ये ज्यादा देखने को मिलेगा। पत्ती जो है उसके ऊपरी सतह पे आपको हल्के पीले कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हो ये, और यहाँ पर, और यहाँ पर, तो ये क्या है, हल्के पीले कलर के धब्बे आपको पत्ती के ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगा, जबकि निचले सतह पर मटमैले भूरे कलर के धब्बे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये हल्के डर्टी भूरे कलर के धब्बे निचले सतह पर होते हैं। जैसे जैसे डिजीज ज्यादा फैलता है वैसे वैसे जो इसके स्पोर्स हैं, जैसे ये और ये स्पोर्स हैं, ये आपस में कोलेक्स करेंगे, मिल जाएंगे। मिलने के बाद ये नेक्रोटिक लीजन बनाएंगे। नेक्रोटिक लीजन का मतलब यहाँ की जो सेल्स हैं वो मर जाएंगी और नेक्रोटिक लीजन फॉर्म करेंगे। इसमें जो पत्तियां हैं, पत्तियां मेच्योरिटी से पहले मतलब पकने से पहले ही गिर जाती हैं, या अपने समय से पहले ही पत्तियां गिर जाती हैं। इसके अलावा इस रोग के लक्षण आपको अंगूर और इसकी टहनियों पर देखने को मिलेगा। जो इन्फेक्टेड सूट है, जैसे जो प्रभावित टहनियां हैं उसमें, या फिर प्रभावित जो नए कल्ले हैं वो स्टंटेड रह जाते हैं, मतलब ज्यादा उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो कम ही ग्रोथ में सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें उभार देखने को मिलेगा जो कि हाइपरट्रोफी के द्वारा होता है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया दो सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण होते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब जैसे यूजुअली जो बढ़ते हैं उस साइज में ना बढ़ के वो अनियमित ढंग से बढ़ जाएं। एक होता है हाइपरट्रोफी और एक होता है हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरट्रोफी में जो सेल का साइज एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता है, और हाइपरप्लेसिया में जो सेल की संख्या है वो अनियमित ढंग से बढ़ती है, जिसके कारण आपको जो इसके कल्ले, नए कल्ले हैं वो फूले हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो इनफ्लोरेसेंस है उस पर भी आपको पीले ब्राउन कलर के धब्बे देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये इसका पूरा देख सकते हो, यहाँ पर हल्के भूरे और ब्राउन, हल्के ब्राउन कलर के धब्बे आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो, और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो बेरी है, बेरी मतलब ये जो अंगूर है इन्हीं को बेरी बोलते हैं। ये क्या होता है, कठोर हो जाता है, और कठोर होने के बाद ये हल्के ब्लूइश ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में भूरे कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो ये, और ये भूरे भूरे हैं। जैसे ये अंगूर है, इस अंगूर को अगर आप दबाओगे तो आसानी से दब जाएगा और इसमें से रस निकलेगा। मगर ये जो इस प्रकार से इन्फेक्टेड अंगूर दिख रहे हैं आपको, इनको अगर दबाओगे तो कड़े होंगे और इनमें से रस नहीं निकलेगा, ये दबेंगे नहीं आसानी से। पूरा बंच जैसे ये देख सकते हो आप, ये पूरा अंगूर का गुच्छा है, ये पूरा अंगूर का गुच्छा प्रभावित हो जाता है और इस पे आपको फंगस ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब रोग ज्यादा फैल जाता है तो कई बार
जो अंगूर होता है अंगूर के अंदर भी फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो इंटीरियर पार्ट में भी आपको अंगूर के फंगस ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एडवांस कंडीशन में इसकी पत्तियां, सूट और जो ये टहनियां हैं, ये आपको रुई के संरचना जैसी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, सब ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ये फंगस ग्रोथ है, इसको बोलते हैं काटनी ग्रोथ। ये आपको इस पे आसानी से देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो आप अपने खेत में कि इस खेत में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हुआ है। अब हम जानेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी में हम खासकर जो फंगस है, जैसे यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्लाज्मो पारा विटी कोला का, तो प्लाज्मो पारा विटी कोला जो है उसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स और दूसरे सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। तो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर में हम पहले ये समझें, ये जो पैथोजन है ये होता है बायोट्राफ नेचर का। बायोट्राफ नेचर का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट्स पे ही अपना जीवन यापन कर सकता है, अगर इसको डेड मटेरियल पे डाल दिया जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके अलावा माइसीलियम, माइसीलियम देखो जो हाइफा होता है, हाइफा आपस में मिलके माइसीलियम बनाता है और उसका कलर हाइलाइन होगा और सीनोसिटिक होगा। सीनोसिटिक का मतलब ये होगा कि जिसमें सेप्टेशन ना पाया जाए, जैसे इसमें ये जो धारियां पाई जा रही है ना यहाँ पर देख रहे हो, तो इस जिसमें धारियां नहीं पाई जाएंगी उसको बोलते हैं सीनोसिटिक, और जिसमें धारियां पाई जाती हैं उसको बोलते हैं ए सीनोसिटिक। और ये इंटरसेलुलर कंडीशन में ग्रो करता है, मतलब ये हुआ दो सिलों के बीच में ये ग्रो करेगा, अपनी वृद्धि करेगा। और ये जर्मिनेट होता है, जैसे ये माइसीलियम है, माइसीलियम से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टोमेटा, जो पत्ती होता है पत्ती के निचले सतह पे स्टोमेटा होते हैं उससे बाहर निकलेगा। उसके अलावा इसमें हास्टोरिया बंद बनाता है। तो हास्टोरिया क्या होता है, जैसे ये जर्म ट्यूब होगा पैथोजन का, तो इस जर्म ट्यूब में जो फूला भाग है जो इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है होस्ट का, इस पे चिपकने का काम करता है उसको बोलते हैं एपरी सोरियम। जबकि जो न्यूट्रिएशन खींचता है, मतलब जो पोषक तत्व खींचता है इसमें से जो ये सेल होती है पौधे की, उसको बोलते हैं हास्टोरिया। तो यहाँ से ये जर्म ट्यूब में और पैथोजन में भोजन को भेजता है, तो वो संरचना कहलाती है हास्टोरिया। इसका जो शेप होता है वो पियल शेप, मतलब नाशपाती के आकार का होता है और ब्रांच्ड होता है। इसमें बनता है स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, जैसे ये देखो आप, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसका जो स्पोरेंजियोफोर है वो कैसा होता है, हाइलाइन होता है, लंबा होता है और शाखित होता है डाइकोट मछली। तो डाइकोट मछली का मतलब ये हो गया, ये हर बार दो दो शाखाओं में डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पर एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, इसमें एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, तो ये दो दो शाखाओं में बराबर बराबर बढ़ता रहता है। इसके ऊपर लेमन शेप के स्पोरंजिया, ये देखो इनको हम बोलते हैं स्पोरंजिया। और ये स्ट्रिगमेटा, ये जो उभार देख रहे हो यहाँ पर ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। इस पे ये सिंगल बनेगा, आप देखो हर जगह एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर एक, तो एक एक ही बनता है, मतलब सिंगल स्ट्रिग्मा पे, स्ट्रिगमेटा पे सिंगल स्पोरेंजियम बनता है। और ये स्पोरेंजियम जो है जर्मिनेट करता है और इसमें जू स्पोर बनते हैं। फिर जू स्पोर जो वो भी पियल शेप, मतलब नाशपाती के शेप का होता है, बाइफ्लेजलेट होता है। बाइफ्लेजलेट का मतलब जैसे आप ये मान लो ये जू स्पोर हो गया, तो जू स्पोर में एक ये फ्लैजिला हो गया और एक ये फ्लैजिला हो गया, तो इसको बोलते हैं बाइफ्लेजलेट कंडीशन। तो इसमें पियल शेप का होगा और बाई फ्लैजिलेशन होगा, मतलब दो फ्लैजिला पाए जाएंगे इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं, तो इसमें जू स्पोर इस प्रकार का होता है। इसके अलावा जो है
अगला होता है सेक्सुअल साइकिल। तो सेक्सुअल साइकिल में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के द्वारा, और उसके अलावा एक होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो ये दो कंफ्यूज करने वाले टर्म होते हैं। देखो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, ये आपस में मिलेंगे और ये मिलने के बाद दोनों एक हो जाएंगे। और गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में क्या होता है, एंथ्रीडिया ये हो गया और ओगोनियम ये हो गया। इसका जो सेल होगा इसमें, मतलब कि जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इसमें पास होगा और पास होने के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। तो इनमें क्या है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं मगर इसमें सिर्फ इसका न्यूक्लियस जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट और इसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओगोनिया जो होता है वो फीमेल गैमेटेंजिया होता है, जिसका कलर हाईलाइन टू ब्राउन होता है, और ग्लोबोज, यहाँ एल नहीं है लगा लेना, ग्लोबोज होता है, मतलब गोल संरचना होगा। और टर्मिनल टू इंटरकेलरे, ये आपको टर्मिनल मतलब कि ऊपर पाया जा सकता है और बीच में भी पाया जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरी संरचना होगी वो होती है एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया ये जिसको बोलते हैं मेल गेमिटेंजिया, इसका जो कलर है वो हाईलाइन होता है और सिंपल होता है एम्फीगाइनस। एम्फीगाइनस जब ये एंथ्रीडिया इसको ओगोनिया को पूरा ढक लेगा तो ये कंडीशन कहलाती है एंथ्रीडिया, मतलब एम्फीगाइनस एंथ्रीडिया। ये तो हमने आपको बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए यहाँ पर बताया, जबकि ये क्या होगा, जैसे मान लो ये ओगोनिया हो गया और इसके चारों तरफ ये क्या हो जाएगा, एंथ्रीडिया हो जाएगा। तो इस संरचना को वो बोलेंगे एम्फीगाइनस एंथ्रीडिया। और ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पर देखो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, बनाएंगे ऊ स्पोर। ऊ स्पोर का जो कलर है वो ग्रीनिश येलो होगा, ग्लोबोज होगा, और इसकी चमड़ी जो है वो कठोर होगी ताकि जमीन में ये सरवाइव कर सके। अब जो इसके डिजी साइकिल की बात करें तो डिजी साइकिल में यही होता है कि प्राइमरी इनोकुलम कहाँ से आता है और कैसे उसमें सेकेंडरी इनोकुलम बनता है और कैसे वो आगे इन्फेक्शन को फैलाता है। तो इसमें प्राइमरी इनोकुलम जो है, जो प्लांट डेब्रिस होता है, यहाँ पर ई लगा लेना, ई नहीं है, ठीक है। तो जो प्लांट डेब्रिस मतलब जो फसल अवशेष जमीन में पड़े होते हैं उसी में इसका ऊ स्पोर सर्वाइव करता है, ये प्राइमरी इनोकुलम काम काम करता है, और यही प्राइमरी इनोकुलम जो है प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा। और इन्फेक्शन जैसे होगा उसमें क्या है, फिर जू स्पोर बनाएगा, जो आगे इन्फेक्शन होगा वो जू स्पोर बनाएगा, और जू स्पोर जर्मिनेट करेगा वो क्या बनाएगा, जर्म ट्यूब, जैसे हमने अभी पीछे बताया था ऑस्टोरिया में जो जर्म ट्यूब था उस प्रकार का जर्म ट्यूब बनाएगा। उसके अलावा जो बेरी और पत्तियां होंगी, जो अंगूर और पत्तियां होगा होंगी, उसमें स्पोरेंजियो फोर्स बनेंगे और स्पोरेंजियो फोर्स के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, वही जो हमने गोल संरचना बनाई थी। तो स्पोरेंजियो फोर्स के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, और यही जो स्पोरेंजिया है इसमें बनते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। तो स्पोरेंजियो स्पोर और जो स्पोरेंजिया है ये काम करते हैं सेकेंडरी इनाकुलम का। सेकेंडरी इनाकुलम का मतलब ये हो गया, ये एक हेल्दी प्लांट से दूसरे एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी इनाकुलम। और फिर ये बाद में लास्ट में ऊ स्पोर बना लेंगे और प्लांट डेब्रिस में इकट्ठा हो जाएंगे, और वही प्लांट डेब्रिस में ऊ स्पोर पड़े रहेंगे जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। और इस प्रकार से हम अंगूर की खेती करेंगे तो उसमें फिर से ये रोग दोबारा से अटैक कर जाएगा। तो ये हो गया इसके डिजी साइकिल के बारे में। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।